once more. देखें बानिहाल में ये पिछले 10 दिनों के अंदर दूसरी चोरी की बहुत बड़ी वारदात सरंजाम दी गई थी, लेकिन बानिहाल पुलिस की बरवक्त कार्रवाई के बिना पर दोनों चोरियां पकड़ी गईं। कल जो चोरी वहां पे हुई थी, इसमें ये जो शख्स है सईद जफर शाह, ये मुलविस था। इसको आधे घंटे के अंदर बानिहाल पुलिस ने पकड़ा और जो चोरी की हुई रकम थी उसको बरामद किया गया। इसमें आप देखेंगे कि एक डुप्लीकेट पिस्टल भी वहां से बरामद हुई है। मारुति व्हीकल जो इसमें चोरी में यूज की गई वो भी रिकवर हुई है। तो मैं शाबाशी देता हूं बानिहाल पुलिस को, जिन्होंने बरवक्त कार्रवाई की और एक बहुत बड़ी चोरी जो सरंजाम दी गई थी उसको रिकवर किया, जिससे पब्लिक के अंदर एक ट्रस्ट डेवलप हुआ है। क्योंकि 10 दिनों के अंदर अंदर दो बड़ी चोरी के वारदातों को सॉल्व किया गया है। इसी तरह से पुलिस बाकी इलाकों में भी चुस्ती मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। रामबन में भी हमने कुछ चोर पकड़े हैं, उनकी तफसीलात मैं कुछ दिनों के अंदर आपको दूंगा। यहाँ पर जो गजपत टेम्पल है उसकी चोरी भी कुछ लोगों ने कबूल की है, लेकिन उसकी डिटेल्स मैं वक्त के साथ साथ आपको देता रहूंगा। दुकान जो थी, खुर्शीद अहमद शाह साहब हैं, बानिहाल मेन मार्केट में काम करते हैं, किरियाने की होलसेल की दुकान उनकी थी। उनका बैग जो पड़ा हुआ था उसमें 10,54,070 रुपए थे जो उस बैग में रखे हुए थे। ये फ्राइडे का टाइम था, नमाज का टाइम था, सब लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए हुए थे, तो वो दुकानदार भी मस्जिद में गए हुए थे। तो ये जो चोर है इसने मौके की नजाकत को समझते हुए उसी वक्त ये चोरी सरंजाम दी। लेकिन मैं फिर एक बार शाबाशी देता हूँ बानिहाल पुलिस को, जिन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ, चुस्ती मुस्तैदी के साथ इस चोरी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की।